सूरज पंचोली का फूटा गुस्सा। दिशा सालियान को उनके साथ जोड़ने पर आग बबूला हुए सूरज। मीडिया को दी गाली और उन्हें बेवजह सुशांत सिंह राजपूत के केस में घसीटने के लिए सुनाई खरी खोटी। आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है। सुशांत सिंह राजपूत के एक्स मैनेजर दिशा सालियान को पहचानने से इनकार करने वाले बॉलीवुड अभिनेता सूरज पंचोली अब एक फोटो को लेकर सवालों में घिर गए हैं। ये फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की गई है जो अब काफी वायरल हो रही है। जी हाँ, ट्विटर पर एक फोटो शेयर की गई है जिसमें ऐसा बताया गया है कि सूरज पंचोली के साथ दिशा सालियान नजर आ रही है। ये फोटो किसी पार्टी की नजर आ रही है जिसमें सूरज और दिशा के साथ कुछ और लोग भी नजर आ रहे हैं। आपको याद दिला दे कि सूरज ने कहा था कि वो दिशा को नहीं जानते थे, यहाँ तक कि वो अपनी जिंदगी में दिशा से कभी नहीं मिले थे। इसके साथ ही सूरज ने कहा था कि उन्हें दिशा के बारे में सुशांत की मौत के बाद पता चला था। और अब इस तस्वीर ने कई सवाल खड़े किए। इन इल्जामों को देख सूरज पंचोली का आया रिएक्शन, मीडिया को दी गाली। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए न्यूज चैनल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जहां पर सूरज पंचोली और दिशा की तस्वीर दिखाई जा रही है। और इसे शेयर करते हुए सूरज ने लिखा, पूरा बकवास, #FakeMedia। क्या ये वही मीडिया है जिस पर हमें भरोसा करना चाहिए? इस तस्वीर में जो लड़की है वो दिशा सालिया नहीं है। ये तस्वीर 2016 में खींची गई है और ये मेरी दोस्त है अनुश्री गौर, जो अब इंडिया में रहती भी नहीं है। कृपया लोगों का ब्रेन वॉश करना बंद करें और कृपया मुझे परेशान करना और मुझे इसमें घसीटना बंद करें। अपने एक्शन के लिए जिम्मेदार होना शुरू करें, क्योंकि ये किसी के जीवन को बर्बाद कर सकता है। मैंने पहले भी ये कहा है और मैं इसे फिर से कह रहा हूँ, मैं अपने जीवन में दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और ना ही उनसे कभी बात की। सीरियसली फक यू एंड योर फेक न्यूज, मैंने बहुत झेल लिया। इस पोस्ट में उन्होंने उनके फ्रेंड को भी टैग किया है और सूरज की दोस्त अनुश्री ने भी इस पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए कहा कि सच को बताने के लिए थैंक यू। बता दे कि कुछ टीवी चैनल्स के सूत्रों की माने तो दिशा ने जो कुछ सुशांत को बताया उसके बाद सुशांत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। वही कई चैनल्स और वेब पोर्टल्स की रिपोर्ट के मुताबिक दिशा एक बॉलीवुड पार्टी में गई थी जहां आदित्य ठाकरे, संदीप सिंह और रिया के भाई शोविक मौजूद थे और कि दिशा सूरज के साथ एक रिलेशनशिप में थी। हालांकि ऐसी कोई भी न्यूज कंफर्म नहीं है। अब फिलहाल के लिए सूरज ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। उम्मीद है कि सच क्या है ये जल्द से जल्द सामने आएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है इस बारे में? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।